और जिगिशा मर्डर केस में 7 साल बाद सजा का ऐलान किया गया। जिगिशा मर्डर केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला करार दिया है। कोर्ट ने दो दोषियों को फांसी और एक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने रवि कपूर और अमित शुक्ला को फांसी की सजा दी है, साथ ही दोषी बलजीत सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये सभी अपहरण के बाद हत्या के दोषी पाए गए थे। मैं पहले से ही बोल रही हूँ, मेरी बेटी गई तो गई और दूसरे किसी को बेटी को नहीं जाना चाहिए। जरूर इन सब तो मिला है जिगिशा को, जरूर। और सबसे मैं थैंकफुल हूँ जुडिशियरी से, क्योंकि जुडिशियरी से मेरा फुल फेथ था। मार्च 2009 में दफ्तर की गाड़ी से उतरने के बाद हुआ था जिगिशा का अपहरण। वसंत विहार इलाके से सुबह 4 बजे हुआ था अपहरण। 2 दिन बाद फरीदाबाद के सूरजकुंड में मिला था जिगिशा का शव।